श्रावण माह में इन दिनों शिव भक्ति अपने चरम पर है। ऐसे में सीहोर में एक ऐसा अनूठा शिवलिंग मौजूद है जिसमें 1008 शिवलिंग समाहित है। तकरीबन 3 फीट ऊंचे एक ही शिवलिंग पर 1007 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में सिवना नदी के तट पर स्थित यह शिव मंदिर लोगों की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि शिवलिंग की यह प्रतिमा सिवना नदी में से बहकर आई है। तब सीहोर के बढ़िया खेड़ी में सिवना नदी के तट पर मंदिर निर्माण कर शिवलिंग को स्थापित किया गया। यहाँ धार्मिक मान्यता प्रचलित है कि इस शिवलिंग की एक बार पूजा से 1008 शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। तंत्र साधना में इस मूर्ति का विशेष महत्व होने के चलते यहाँ वर्ष भर शिव भक्तों का आना जाना लगा रहता है। देश में इस प्रकार के गिने चुने शिवलिंग ही मौजूद है। इन शिवलिंग का तंत्र साधना में बहुत महत्व बताया गया है। इस शिवलिंग के सामने बैठकर एक बार मंत्र का जाप किया जाए तो 1008 मंत्रों के जाप का फल मिलता है। इस मंदिर में बहुत व्यस्त है। ये नदी की जब खुदाई हुई थी शिवन नदी खुदाई हुई थी, उस नदी में मूर्ति मिली थी और इस मूर्ति में 1008 शिवलिंग स्थापित है। एक मूर्ति पर जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ जाता है। यहाँ पर एक फूल चढ़ाए एक मूर्ति पर तो 1008 मूर्तियों पर अपना जल चढ़ जाता है, इसलिए अपने एक को पुण्य करने से 1008 का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषता तो यह प्राचीन मंदिर है। हम जब से आए हैं यहाँ पर तो हम तो यही सुनते हैं कि 400-500 वर्षों पुराना है मंदिर। इसमें 1008 शिवलिंग समाहित हैं। शिवलिंग में तो इस जो मनोकामना होती है अपन मांगते हैं तो पूर्ण हो जाती है। हमारी बच्ची का भी ऐसा ही में हुआ है, इन भगवान की कृपा से ही हुआ है। उनको ही पैर सूख गई थी तो उससे ऐसाई में हो गया था उसका सिलेक्शन। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।